सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आई हूँ। बहुत दिनों वीडियो बनाने की सोच रही हूँ लेकिन बना नहीं पा रही थी क्योंकि अपना फेस में नहीं कर पा रही थी और बातें नहीं कर पा रही हूँ मेरे सही से ढंग से। तो मैं क्या सोच रही हूँ कैसे मैं अपने कैमरे में सामने आऊँ, दोबारा से कैसे आऊँ कैमरे में, ये सोच रही हूँ। तो फाइनली मैं आज कैमरे सामने आ गई हूँ और मैं सोच रही हूँ वीडियो दोबारा से बनाना स्टार्ट करूँ। तो अभी हाल फिलहाल तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है लेकिन जो मेरी पिछले साल की वीडियो पड़ी हुई है, हम लोग घर गए थे तो वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो अभी आप देखना, फिर मैं धीरे धीरे अपना रूटीन बनाऊँगी धीरे धीरे वीडियो बनाने का। देखूँ कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाती हूँ फिर ना ऐसे करके। और अभी तो मेरा जो पड़ा पिछले साल मैंने बनाई थी मैंने वीडियो लेकिन फिर मैंने अपलोड नहीं करी, कोई रीजन था किसी चीज़ की वजह। तो फिर सब उन्होंने बना कर कि वीडियो नहीं बनाई थी फिर मैंने। लेकिन अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई आसपास भी नहीं है बात करने के लिए। तो मेरा फिर से आप लोगों से बात करने का और आप लोगों से अपनी चीज़ शेयर करने का मन कर आया है। तो फिर मैं आप लोगों को वीडियो बना के आपको शेयर करूँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना मेरी वीडियो को, अच्छा लगेगा मुझे और कमेंट भी करना प्यारे प्यारे और जो भी बात हो बताना मुझे। तो बस चलो फिर चलते हैं, जो पिछले साल का जो वीडियो पड़ा हुआ है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। हम लोग पिछले साल छुट्टी पे गए थे ना बच्चों का घर, सबका वो वीडियो पड़ा हुआ है क्लिपिंग जो मैंने एडिटिंग करा है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम लोगों ने एंजॉय करा था वहाँ पर ग्वालियर में जाकर, कैसे हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है ना, ठीक है फिर ओके बाय बाय। आप लोग देखी वीडियो। हेलो गाइस, तो बस यहाँ पर अभी है शाम का दोपहर का टाइम है, मतलब 3-4 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर चल रही मेरी खाना बनाने की तैयारी क्योंकि आज हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए। आज हमारी ग्वालियर जाने के लिए ट्रेन है शाम की 8 बजे की। तो बस यहाँ पर मैं सफ़र के लिए जो खाना, बच्चों को रास्ते में भूख लगी तो उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ खाना बना के रख रही हूँ, पैकिंग करके रखने के लिए जाएंगे क्योंकि जिस टाइम हम लोग बैठेंगे उस टाइम पर खाने का टाइम भी हो जाता है 8-9 बजे के टाइम पर। तो उस टाइम पे ही हम लोग अभी तो खाना खिलेगा नहीं तो उसी टाइम पे खाने का, उसके लिए खाना पैक करके ले जाएंगे और फिर आराम से ट्रेन में बैठ के सुकून से खाएंगे। और ट्रेन में खाने का अलग ही मज़ा होता है, अलग ही अच्छा लगता है। ट्रेन में बैठ के खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक तरह से पिकनिक की तरह लगता है ट्रेन का सफ़र। मतलब जैसे खाना बांध के ले जाओ फिर वहाँ पर खाना खाओ पूरी फैमिली के संग सफ़र को, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी पूरी सेक ली है और पूरी सेक के उसी तेल में मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी भी बनने रख दी है। और वैसे तो सारी तैयारी हो चुकी है मेरी, कल ही मैंने सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी और कपड़े वगैरह सब रख लिए थे और बच्चों के कुछ खाने के पैकेट वगैरह भी मैंने कल ही मंगा के रख लिए थे। लेकिन फिर भी मैं थोड़े से यहाँ पर पॉपकॉर्न बना के ले जा रही हूँ क्योंकि ये मेरे पॉपकॉर्न के दाने रखे हुए थे तो मैं सोचा पॉपकॉर्न ही बना दें, तो हल्के फुल्के भी हो जाते हैं ये और टाइम पास भी हो जाता है इनसे और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े से पॉपकॉर्न ही बना लूँगी और देखिए यहाँ पर अच्छे से फूल के और बहुत सारे जाएंगे, उनको पन्नी में पैक करके रख के ले जाऊँगी तो सड़ेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर बस मेरा खाना भी जल्दी मैं बना लूँ, तैयार कर लूँ क्योंकि फिर ये आ जाएंगे ड्यूटी से तो फिर मुझे कुछ काम नहीं करने देंगे और जल्दी जल्दी करेंगे फड़बड़ करेंगे, इसलिए जल्दी से उनके आने से पहले मुझे सारा खाना पीना बना उनके पैक करना है और रेडी तैयार भी होना है। बच्चों से तो मैंने बोल दिया तैयार हो जाओ, फिर मैं भी तैयार हो जाऊँगी। और यहाँ पर देखिए फिर मैंने आगे से कोई वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि ये आ चुके थे, फिर उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी करा कि जल्दी करो टाइम हो गया है ट्रेन का। फिर हम लोग जल्दी तैयार होकर जल्दी जल्दी भागे क्योंकि बाकी में ट्रेन का बहुत सही राइट टाइम हो चुका था और जल्दी जल्दी आके हमने यहाँ पर ट्रेन पकड़ी और जल्दी जल्दी अपनी सीट पकड़ी और बस सीट भग भग के पकड़ी। सारा सामान उनको ही देखना पड़ता है तो यहाँ पर थक चुके थे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर तरह अपनी सीट पकड़ कर रिलैक्स करा और रिलैक्स करके यहाँ पर थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ठंडा पिया, कोई गर्मी बहुत है। तो यहाँ देखिए सुबह का टाइम हो चुका है और रात भर हम लोग ट्रेन में चल रहे थे और ये देखिए सुबह 5:24 हो रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मेरी नींद खुल चुकी थी तो मैं उठ चुकी थी यहाँ पर। और रात में फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करा, हम लोग खाना खा के सो चुके थे क्योंकि बहुत दिन भर हम लोग काम करते करते तैयारी में थक चुके थे। तो बस हम लोग जल्दी फटाफट खाना खाया था और हम लोग सो गए थे। अभी जाके अब सुबह नींद मेरी खुली है, यहाँ पर देखिए पलवल स्टेशन आ चुका है और यहाँ पर देखिए ये भी उठ चुके थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने उनको देखा कि ये कहाँ है, अपनी सीट पे तो है नहीं है, तो यहाँ देखिए ये गेट पे खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये भी सुबह का नज़ारा देख रहे थे, थोड़ा सा ठंडी हवा ले रहे थे बाहर की। तो बस यहाँ पर सारे बच्चे देखिए सो रहे हैं और बच्चों को भी फिर हम लोगों ने थोड़ी देर सोने दिया, फिर उनको उठाया, फिर उनको ब्रश वगैरह कराया और यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं, कुछ बिस्किट केक वगैरह नमकीन वगैरह जो लेके आए थे बच्चे पैकेट वगैरह वो यहाँ पर इसका एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं।
और बस फिर थोड़ा कुछ और टाइम ट्रेन में चलना है, फिर हम लोगों का ग्वालियर आ जाएगा। और देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है बाहर का, तो मैं थोड़ा सा कैचअप करा इसको। ये ट्रेन में चलते ना, ट्रेन में ये हरियाली दिखती बहुत अच्छी लगती है देखने में, और बादल आ चुके हैं हम ग्वालियर, और हम ग्वालियर के स्टेशन उतर चुके हैं। यहाँ पर स्टेशन से बाहर एंट्री कर रहे हैं हम लोग, और बहुत खुश हैं, बहुत एक्सरसाइज ना मतलब खुश हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपने ग्वालियर आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए रात में पता क्या हुआ था, मेरे ना कान के टॉक्स सोते में गिर चुके थे, खाली कान हो गए थे मेरे, और मुझे जाना था घर ग्वालियर, तो फिर ऊपर ही अच्छा हुआ एक थोड़े से कोई झुमके रखे हुए थे, तो वो मैंने कान में डाल लिए, तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अजीब से लग रहे थे कि मैंने ये झुमके डाल लिए हैं कानों में, तो ये देखिए अजीब से लग रहे हैं, गंदे से तो लग रहे हैं। ठीक है चलो, फिर भी काम थोड़ा चेहरा अच्छा लग रहा है। और हम लोग ग्वालियर आ चुके थे, तो यहाँ पर देखा ग्वालियर में इतनी बारिश हो रही थी, फिर आके जब आए थे जब तो नहीं थी, फिर उसके हम लोग आने की वजह बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर उसके कुछ घंटों बाद इतनी तेज़ बारिश हो गई ना, फिर बहुत अच्छा मौसम हो चुका था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर बच्चों ने खूब इन्जॉय करा बारिश में, तो मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए कितनी बारिश हो रही है। तो यहाँ पर तो फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा ससुराल में, फिर मैं नेक्स्ट दिन अपने घर चली गई थी मायके, फिर वहाँ पर हम लोग बहुत जगह घूमने गए हुए थे। तो यहाँ मायके में फर्स्ट दिन है, तो यहाँ पर मैं अभी शाम हो गई थी तो अच्छा मौसम हो चुका था, तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं MLB कॉलेज को, कि यहाँ पर बिल्कुल पास में ही है, हमारे घर के बिल्कुल पीछे ही MLB कॉलेज बना हुआ है, तो घर के नज़दीक ही है, तो यहाँ पर अच्छे से पार्क और गार्डन भी हैं, तो और MLB कॉलेज यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी घूमने के लिए आए थोड़ा शाम के टाइम। तो ये देखिए सामने MLB कॉलेज है, ये दिख रहा है पत्थर का बना हुआ है पूरा, और उसके आगे ग्राउंड बना हुआ है बहुत बड़ा, इसको फील्ड बोलते हैं MLB फील्ड, यहाँ पे ना क्रिकेट मैच भी खेले जाते हैं, तो मैं सना को यही बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेले जाते हैं, क्रिकेट खेला जाता है यहाँ पे, सारी मतलब टूर्नामेंट वगैरह भी होते हैं यहाँ पे, और बच्चे यहाँ पर सीखते भी हैं, यहाँ कोचिंग वगैरह भी लगती है बच्चों की, इसकी क्रिकेट की। और यही देखिए यहाँ पर कुछ वर्कआउट करने के लिए कुछ यहाँ पर मशीनें भी लगा दी हैं, पहले ये नहीं लगी हुई थी मशीनें, लेकिन अब लगा दी हैं यहाँ पर इस तरीके से वर्कआउट करने के लिए, ना एरिया बना दिया है यहाँ पर। और उस बहुत से लोग यहाँ पर वॉक करने भी आते हैं अपना, और अच्छी सी ताज़ी हवा, जिन्हें यहाँ पर अच्छा खुला खुला हरियाली है, तो यहाँ पर अच्छी ताज़ी हवा मिलती है, तो सभी लोग शाम सुबह यहाँ पर अपना थोड़ा मनोरंजन और थोड़ा सा ताज़ी हवा लेने के लिए वॉक पे निकलते हैं यहाँ पर। तो हम लोग भी आए थे शाम के टाइम, बच्चे भी बोले चलो मम्मी देख के आए, भाई बोला था चलो बहुत अच्छा बन चुका है MLB कॉलेज, तो यहाँ पर बस मैं बच्चों को दिखाने के लिए लेके आई थी, देखो किस तरीके से MLB कॉलेज बना हुआ है, बच्चों ने नहीं देखा था, तो बच्चों ने भी देख के बड़ा खुश हुए बच्चे भी, और बच्चों को भी अच्छा लगा। और यहाँ पर हम लोग भी कोई भी कुछ मौज मस्ती चल रही है, हम लोगों ने भी यहाँ पर मशीनों से कुछ एक्सरसाइज वगैरह करी, और फिर अपने यहाँ पर घूमे। और यहाँ पर बच्चों का खेल तो बंद नहीं हो रहा है, बच्चे तो थकते ही नहीं हैं, बच्चे तो खेलने में इतने मसरूफ हो जाते हैं ना, बस खेल उनको बच्चों को मैदान या कुछ खेलने को मिल जाए तो बस बच्चे खेलते ही रहते हैं, उन बच्चों को कभी थकान महसूस नहीं होती। और यहाँ पर देखिए भैया भाभी तो थक कर बैठ चुके थे, यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं और थोड़ी ताज़ी हवा ले रहे हैं यहाँ पर, और बाहर MLB कॉलेज का नज़ारा ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग भी बैठे हुए थे, हम भी आके बैठ गए थे। फिर ये देखिए तो ये भी आ चुके हैं, ये लेट आए हुए थे बहुत, देखिए देखो झूम करके दिखा दूँ। और ये देखिए घर पे ये आए हुए थे सभी हम लोगों से मिलने, तो वहाँ पे हम लोग कोई घर पे दिखाई नहीं इनको, तो इन्होंने मम्मी से पूछा कि बच्चे वगैरह कहाँ चले गए सारे, तो उन्होंने सोचा वो MLB कॉलेज गए घूमने, तो बस ये भी हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर MLB कॉलेज आ गए हमारे पास मिलने के लिए। और देखिए ये सामने से आ गए, और फिर इन्हें भी यहाँ पर आकर हमारे साथ इंजॉय किया, और बच्चों ने इनको देख कर इतनी जल्दी दौड़ के भागे इनके पास, बच्चे इतने खुश हो गए पापा आ गए। और यहाँ देखिए MLB कॉलेज की लाइट भी जल गई है, और यहाँ देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है इस टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे MLB कॉलेज का कितना अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था MLB कॉलेज बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने सुनाया थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बनाया इसका, और फिर यहाँ पे अंधेरा हो चुका था, फिर हम लोग आ चुके हैं बाहर MLB कॉलेज के बाहर, यहाँ पर चौपाटी पर यहाँ पर एक कटकट होता रहे MLB कॉलेज के बगल से ही, उसी के बाहर ये चौपाटी बनी हुई है यहाँ पर, और अच्छा सा यहाँ पर चौपाटी में घूमने फिरने के लिए यहाँ पर तो बहुत अच्छा बना रहा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे पब्लिक घूमने फिरने के लिए आती है शाम को अपना संडे के दिन घूमने फिरना खाने पीने के जो भी आता है अपने इन्जॉय करने के लिए, वो यहाँ पे इन्जॉय कर लेता है और चले जाता है। हम लोग यहाँ पे इन्जॉय कर रहे थे, आइसक्रीम खाई हम लोगों ने, यहाँ पर चाट वगैरह खाई, फिर हम लोग घर आ चुके थे। और यहाँ पे ये नेक्स्ट दिन है, तो यहाँ पर नेक्स्ट दिन देखिए यहाँ पर अनु और हमजा दोनों जने अपने स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं यहाँ पर, और बड़ा इन्जॉय ले रहे हैं साथ ही दोनों ने, और मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इन दो का नहाना और शैतानी करना और मस्ती।
शाम को हम आए हुए थे यहाँ पर बेजीताल घूमने के लिए। तो यहाँ देखिए बहुत, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बेजीताल। यहाँ पर भी बहुत सारी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, सारी जितनी भी इमारतें हैं वहाँ पर सारी इमारतों पर लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, और बहुत अच्छे लगते हैं सारे ना इमारतें जितनी भी ग्वालियर में बनी हुई हैं घूमने के लिए, वो अच्छा लगा। और यहाँ पर भी देख लिया, आए थे हम जल विहार भी आए थे घूमने के लिए, तो बस यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ फोटो क्लिक पिक करें, लेकिन वीडियो नहीं बनाया था तो बस। और फिर यहाँ पर ने थोड़ा फूड वगैरह खाया जो हम लोगों को खाया था, बच्चों को उनके मामू ने उनको फूड वगैरह खिलवाया, वो भूख लगी थी बच्चों को, तो बस वहाँ खा खू के फिर हम लोग इंजॉय करके अपने घर वापस आ गए। अपने घर वापस आ चुके थे और यहाँ पे थोड़ी सी और आगे की थोड़ी सी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने आप लोगों संग और शेयर कर दूँ पड़ी थी छोटी क्लिपिंग बच्चों की खेल कूद की। और फिर आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और सपोर्ट करना। और इसी तरीके से अगर आप मेरा वीडियो पसंद करोगे तो मैं फिर आगे भी और वीडियो बनाऊँगी, अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, तो इसलिए सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अगली नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ अलग लेके। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।